Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about laws of exponent number 3rd to 6th. Now today, we will start our next law, law number 7. For any non-zero integer a and b, 7th is a upon b whole raised to the power negative m equal to b upon a whole raised to the power m. और जहाँ पे m क्या है? Integer है. So, देखिए इसका क्या मतलब है इस लॉ का. अगर किसी पावर का बेस कोई फ्रैक्शन है और उसकी पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो क्या होगा? पॉजिटिव में जब हम एक्सपोनेंट को चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन का क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, a अपॉन b था तो देखिए आप b अपॉन a हो गया है. ठीक है, लेकिन ये आया कैसे है चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. Like दिया है 2 अपॉन 3 होल रेस टू द पावर नेगेटिव 4. ठीक है, इक्वल टू, अगर हम लॉ अप्लाई नहीं करते तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिखते हैं? लिखते 2 रेस टू द पावर नेगेटिव 4 अपॉन 3 रेस टू द पावर नेगेटिव 4. उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करते हैं. तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में. तो हो जाता 3 रेस टू द पावर 4 अपॉन 2 रेस टू द पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 होल रेस टू द पावर 4, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है. सो देखिए 2 अपॉन 3 होल रेस टू द पावर नेगेटिव 4 का रिजल्ट क्या आ गया? 3 अपॉन 2 होल रेस टू द पावर 4, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया है. तो देखिए यहीं से लॉ बन गया है. अब हमको बीच के दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. सो अगर लिखा होगा लाइक 5 अपॉन 4 होल रेस टू द पावर नेगेटिव 2, इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 होल रेस टू द पावर 2. ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस. सो एग्जाम्पल इज सिंप्लीफाई. सो हम यहाँ पे आपको मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन समझाएंगे. ठीक है, जितने भी लॉज हमने 7 पढ़े हैं उससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चन. सो फर्स्ट देखिए 3 रेस टू द पावर 5 डिवाइड बाई 3 रेस टू द पावर 8 होल रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होल रेस टू द पावर नेगेटिव 8. तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड की कंडीशन है. तो आपको पता है पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है. सो इक्वल टू 3 5 माइनस 8 होल रेस टू द पावर 5. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 रेस टू द पावर नेगेटिव 8 इक्वल टू, सो हो जाएगा 5 माइनस 8 3 रेस टू द पावर नेगेटिव 3 होल रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस टू द पावर नेगेटिव 8. अब देखिए एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट है. ठीक है, सो क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो नेगेटिव 15 आ जाएगा. 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस टू द पावर नेगेटिव 8. अब देखिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई की कंडीशन में है तो पावर्स ऐड होती हैं. सो हो जाएगा 3 रेस टू द पावर नेगेटिव 15 प्लस नेगेटिव 8. ठीक है, ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 रेस टू द पावर नेगेटिव 23. ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 23. नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड इज 4 रेस टू द पावर नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाई 5 रेस टू द पावर नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू द पावर नेगेटिव 1. तो देखिए इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं. यहाँ एक्सपोनेंट सेम है तो वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप पहले इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करके भी कर सकते हैं. तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं. सो हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 इक्वल टू, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 5 जा 20 22 जा 40. ठीक है, अगर आप पावर सेम करके करते तो आ जाता 40 रेस टू द पावर नेगेटिव 1, उसको हम 1 अपॉन 40 लिखते हैं. थर्ड पार्ट देखिए 5 रेस टू द पावर 0 प्लस 7 रेस टू द पावर नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई बाई 7 रेस टू द पावर 2. तो देखिए यहाँ पे कोई लॉस तो अप्लाई होंगे नहीं. सो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं. 5 रेस टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस 7 रेस टू द पावर नेगेटिव 1 को हम 1 अपॉन 7 लिख सकते हैं ब्रैकेट इंटू 49. ठीक है, सो इक्वल टू, सो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे. so यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1. ठीक है, सो एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा. सो फर्स्ट वाले केस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7, तो ऊपर भी 7 करेंगे तो आ गया 7 प्लस 7 में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं तो 1 ही आ जाएगा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 49 इक्वल टू
8 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 49, सो 7 से रिड्यूस हो जाएगा, 7 वन जा 7, 7 सेवन जा 49, सो 8 सेवन जा 56, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, अगेन यहाँ पे लॉज नहीं अप्लाई होंगे क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, प्लस के केस में कोई लॉ अप्लाई नहीं होता है। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 1/6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 1/4 इक्वल टू, सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 और 6 दोनों के टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 6, तो वो हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, सो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो ऊपर भी 2 करेंगे तो जाएगा 2 प्लस 6, में तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1/4 इक्वल टू 3/6 मल्टीप्लाई बाई 1/4, सो देखिये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कुछ रिड्यूस होगा नहीं तो 1/8, ये फाइनल आंसर है। फिफ्थ इज 6^-1 प्लस 7^-1 प्लस 3^-1 होल रेस टू द पावर 0। तो देखिए वैसे तो होल रेस टू द पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है आप इंटीजर का केस अभी तक पढ़े हैं, इंटीजर की पावर 0 होगी तभी रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, सो देखिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में है, तो इक्वल टू 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/3 होल रेस टू द पावर 0 इक्वल टू, सो एलसीएम लेंगे 6, 7 और 3, सो एलसीएम कितना आएगा 6, 7, 3 का 42। ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर लीजिएगा आप, तो 6 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 करेंगे तो आ जाएगा 7, 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ऊपर भी 6 करेंगे तो आ जाएगा 6, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाए, तो आप डिवाइड करके चेक करिएगा तो 14 आएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 14 करेंगे सो हो जाएगा 14 होल रेस टू द पावर 0 इक्वल टू, सो 7+6 13, 13+14 27 अपॉन 42 होल रेस टू द पावर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों की पावर 0। ठीक है, सो 27^0 अपॉन 42 होल रेस टू द पावर 0। सो आपको पता ही है अगर इंटीजर की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, सो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। वैसे अगर कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन आता तो आप डायरेक्ट आंसर 1 लिखते हैं क्योंकि किसी की पावर 0 तो रिजल्ट 1 ही आता है। ठीक है, चलिए सिक्स पार्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे सेवंथ लॉ हमारा अप्लाई होने जा रहा है। सो क्वेश्चन है 1/5 होल रेस टू द पावर -2 प्लस 1/4 होल रेस टू द पावर -2 प्लस 1/2 होल रेस टू द पावर -2। सो अब हम सेवंथ लॉ यूज करके सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे, सो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 5/1 होल रेस टू द पावर 2 प्लस 4/1 होल रेस टू द पावर 2 प्लस 2/1 होल रेस टू द पावर 2 इक्वल टू, सो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सो डिनोमिनेटर सेम है, वैसे भी 1 का वहां पे कोई मतलब नहीं है, हम ऐड कर देंगे इसको, सो आ जाएगा हमारा आंसर 45। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 1/4 होल रेस टू द पावर -2 माइनस 1/2 होल रेस टू द पावर -3 डिवाइड बाई 1/4 होल रेस टू द पावर -2। सो अगेन हमें यहाँ सेवंथ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू लिख सकते हैं 4/1 होल रेस टू द पावर 2 माइनस 2/1 होल रेस टू द पावर 3 ब्रैकेट डिवाइड बाई 4/1 होल रेस टू द पावर 2 इक्वल टू, सो ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 16, 16/1 मीन 16, 2 का क्यूब 8, 8/1 मीन 8 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सो इक्वल टू 16 - 8 तो 8 डिवाइड बाई 16 अपॉन लिख सकते हैं जिसको हम, सो अपॉन 16 कट जाएगा सो आ जाएगा 1/2। इज 1/5 होल रेस टू द पावर -1 माइनस 1/3 होल रेस टू द पावर -1 होल रेस टू द पावर -1। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो इक्वल टू सो लिख सकते हैं 5/1 होल की पावर 1 माइनस 3/1 होल की पावर 1
होल की पावर नेगेटिव वन, ठीक है। सो आपको पता है 5/1 होल की पावर 1 मीन्स हो गया 5 की पावर 1 मीन्स 5, माइनस 3/1 की पावर 1 मीन्स 3 होल की पावर नेगेटिव 1, सो इक्वल टू 2^-1, हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। अब देखिए नाइन्थ पार्ट, -7^5 2/7^5। देखिए यहाँ पे पावर सेम है, अगर पावर सेम ना होती तो हम क्या करते हैं सेकेंड पार्ट को ओपन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है सो हम लिख सकते हैं पूरे की पावर 5, सो -7^2/7^5, सो 7 से 7 रिड्यूस हो गया, सो आ गया -2^5, जिसको हम -2^5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है, ऑड है पावर 5 है, तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट नेगेटिव में आएगा और हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इवन नंबर होती पावर तो सिर्फ 2 की पावर भी लिख सकते थे हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट, -2^4 × 5/2^4। अगेन देखिए यहाँ पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, सो होल की पावर 4 लिख सकते हैं, सो -2^5/2^4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा, 2^1 = 2, 2^1 = 2, सो आ जाएगा -5^4, और इसको हम लिख सकते हैं 5^4, क्योंकि पावर वहां पे जो एक्सपोनेंट है वहां पे वो इवन नंबर है, ठीक है। 11th पार्ट इज 3/8^-7/8/3^-5। अब देखिए या तो आप क्या करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल करके एक्सपोनेंट सेम कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा वहां पे। देखिए यहाँ पे एक 3/8 है, दूसरा 8/3 है, तो अगर हम एक का रेसिप्रोकल कर दें जिसकी एक्सपोनेंट ज्यादा नेगेटिव है तो हमको फायदा ये होगा कि बेस सेम हो जाएगा, ठीक है। सो हम फर्स्ट को लिखेंगे 8/3^-7/8/3^-5। अब देखिए बेस से सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 8/3^7+-5 = 8/3, सो 7 + -5, सो आ जाएगा 2, सो हम लिख सकते हैं इसको 8 का स्क्वायर हो गया 64 / 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। और देखिए लास्ट पार्ट, सो देखिए यहाँ पे भी आप दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो पहले एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व कर लीजिए या तो रेसिप्रोकल कर लीजिए। हम एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं, सो जाएगा -3/4^-3 ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं, 4/-3^3 ठीक है = सो 4 का क्यूब तो हो गया 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 / 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और नेगेटिव में क्योंकि पावर ऑड नंबर है, सो हम इसको लिख सकते हैं -64/27। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो हियर गिवन योर क्लास वर्क। क्लास वर्क में क्या है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6th में मैंने 4th का एक पार्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। सो ये आपका क्लास वर्क है और सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में डिस्कस किया है, ठीक है। सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, चेक योर आंसर्स विच आर गिवन हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।